ये 144 मीटर की रास्ता है गुरदेन से मुन्ना केवट के मकान तक, जिसका पैसा प्रधान और सचिव ने मिलकर निकाल लिया है। वहाँ पर RCC कागजों में दिखा दी, लेकिन बनाई नहीं गई है। और हमने अधिकारियों के यहाँ जाकर से शिकायत दर्ज कराई, जिसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दृश्य देखकर आप बहुत गंभीर हो गए होंगे, लेकिन चिंता करने की बात नहीं। विकास जब लबलबा जाता है तो ऐसे ही उफनने लगता है, समाये नहीं समाता। यही हुआ है यूपी के हमीरपुर में। यहां पंचायत लेवल पर इतना विकास हो गया कि विकास सड़क तोड़कर बाहर निकल आया। यहां के लोग विकास को संभाले नहीं संभाल पा रहे हैं। कई जगहों पर तो ऐसी हालत है कि विकास छुपाने से भी नहीं छुप रहा है। दरअसल ये तस्वीरें हैं हमीरपुर के उमरी गांव की, जहां प्रशासन ने गोलमाल कर सड़क को कागजों में CC रोड बना दिया और लगभग 10 लाख रुपयों का घोटाला कर दिया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है इस गांव के लोगों का। चलिए अब गांव के लोगों को सुनवा देते हैं, उनकी ये चमचमाती सड़क कैसे बनकर तैयार हुई है। ये गुरुदीन के मकान से मुन्ना केवट के तक मकान के CC दिखा दी गई है। इसमें काम हुआ नहीं, आप देख लीजिए, घास खड़ी है और ये गिट्टी भी पड़ी है सब, कुछ काम हुआ नहीं है। 10 लाख के लगभग पैसे निकाल दिए। कितने मीटर बनी थी? 144 मीटर। भुगतान हो गया उसका? भुगतान हो गया। आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जांच के लिए भेजा तो कुछ हुआ नहीं। आई टीम जांच के चली गई, कुछ हुआ नहीं। कहते हैं लोग बाग, उनके आदमी भी कहते हैं कुछ नहीं होगा। और दमंग प्रधान है, उसके पास सब कुछ है, गन बंदूक, हम तो जान को भी खतरा है, बंदूक भी है उसके, राइफल भी है, रिवाल्वर भी है, सब कुछ है। तो हम लोग तो दबे दबे रुके, ऐसे लोग के आते हैं कि देख भी ना पाए और ये काम हो जाए। तो सुना आपने कि सड़क की हालत ऐसी क्यों है। हमीरपुर वाले तो गोरखपुर वालों से भी एक कदम आगे निकले। अरे कम से कम गोरखपुर में शौचालय तो छोड़िए साहब, सड़क तो थी ही, यहाँ तो बस रोड़ी सीमेंट के नाम पर हरी हरी घास पकड़ा दी गई है। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं हमीरपुर जिले में मुस्कुरा ब्लॉक के उमरी गांव में। यहाँ पर गांव की सरकार का बड़ा खेल सामने आया है। यहाँ पर ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी ने मिलकर कागजों पर एक सड़क बना दी। 144 मीटर सड़क बनाने का 10 लाख रुपया निकाल लिया और सड़क नहीं बनी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सड़क की जगह पर खरंजे और घास उगी हुई है। चलिए सड़क तो आपने देख ली, अब आपको दिखा देते हैं यहाँ का मिनी सचिवालय यानी कि पंचायत भवन, जहाँ गांव के दबंगों ने खुलेआम इस पर कब्जा कर रखा है। पंचायत भवन में कहीं बैलगाड़ी तो कहीं ट्रैक्टर के साथ भैंसे बंधी हैं, तो कहीं पंचायत भवन दारू पीने के अड्डे में तब्दील हो गया है। मेरे पीछे जो भवन आप देख रहे हैं, ये गांव की सरकार का मिनी सचिवालय, जैसे पंचायत भवन भी कहते हैं। तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत से प्रत्येक गांव में बनाए गए ये मिनी शौचालय, जिसमें ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी को बैठना होता है, पर ये खंडहर में तब्दील हो गए हैं और इनमें दबंगों का कब्जा है। आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रैक्टरों का सामान, बैलगाड़ियाँ इन पंचायत भवन में भरी हुई हैं। जब हमने इस विकास को लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनमें से कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। आज हम खड़े हैं जिलाधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में और यहाँ पर तमाम बड़े बड़े अधिकारी, विकास के जिलाधिकारी बैठते हैं, जैसे CDO मुख्य विकास अधिकारी, DDO जिला विकास अधिकारी, PD परियोजना निदेशक और इस घपले के पूरे जिम्मेदार जिला पंचायत राज अधिकारी, पर आज तक के कैमरे के सामने कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। खैर इसके आगे हम क्या कहें, इस विकास को देखकर अमेरिका वाले, सिंगापुर वाले, इंग्लैंड वाले भी जल उठे हैं। हमीरपुर में इतना विकास हो गया है, समाये नहीं समा रहा। यहाँ के लोग विकास में नहा रहे हैं, विकास ही पी रहे हैं, विकास में सो रहे हैं, विकास में ही जाग रहे हैं। हालत ऐसी है कि पैर रखिए जमीन पर और पड़ जाता है विकास पर। और बाहर वाले तो फालतू में ही यूपी के विकास को बदनाम किए जा रहे हैं। हमीरपुर से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।